हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 15 मिनट में बनने वाली खीर की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। और ये बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है। तो सबसे पहले हम चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भिगोकर 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। खीर हम कुकर में बना रहे हैं तो बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही आसानी से बनेगी। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। खीर बनाने के लिए फुल क्रीम दूध ही यूज करें, तभी खीर टेस्टी बनेगी। और कुकर को पहले से धोकर जरूर लें, एकदम सूखी कुकर में दूध नहीं डालें, क्योंकि दूध चिपकने का डर रहता है। तो दूध को हमने कुकर में डाल दिया और अब हम फ्लेम ऑन करके उबाल आने का वेट करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और दूध में उबाल आ गया है और चावल को भी भिगोए हुए 30 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चावल को दूध में डाल देंगे। खीर में डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो हम चावल के साथ ही डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काजू लिया है, 1 टेबलस्पून किशमिश लिया है, 1 टेबलस्पून बादाम और 1 टेबलस्पून पिस्ता लिया है। तो अब हम इन्हें डाल देंगे और साथ ही में 1 टेबलस्पून कूटी हुई इलायची डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा या जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। मिला देंगे इन सबको अच्छे से और अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं खीर को पकाते हुए और ये 2 सीटी आ गई है। तो अब हम फ्लेम बंद करके कुकर के ठंडा होने का वेट करेंगे। कुकर ठंडा हो गया है और ये देखिए, बिना चलाए ही लग रहा है ना कितनी गाढ़ी और अच्छी खीर बनी है। लेकिन अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाला है, चीनी बाद में ही डालते हैं जब खीर बन जाती है। और ये आप देख सकते हैं खीर का जो टेक्सचर है वो कितना बढ़िया है। तो अब हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चीनी को घोलने के लिए गैस ऑन करके 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। और खीर को अगर आप गाढ़ी और रिच बनाना चाहते हैं तो चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ये देखिए, खीर जो है वो कितनी अच्छी बनी है। ड्राई फ्रूट्स भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इसे बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो खीर जो है वो हमारा बनकर रेडी है। तो अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अभी ये गर्म है, ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं और खीर जो है वो ठंडी हो गई है और ये देखिए कितनी गाढ़ी और अच्छी खीर बनी है। खीर की कंसिस्टेंसी इस समय एकदम एक्यूरेट है। आप इसे अभी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब हम इस पर थोड़े से रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ये हमारी खीर जो है वो एकदम रेडी है। आप एक बार खीर को कुकर में बनाकर जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको आज की खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।